सबसे पहले तो हम सविता जी को श्रद्धांजलि देते हैं, हमारी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे और उन्होंने जब कभी भी समाजवादी पार्टी को जरूरत पड़ी होगी, मेहनत करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने समाज में और जनता के बीच में हमेशा समाजवादी पार्टी को आगे रखा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके परिवार से आज मिलने का मौका मिला, इसीलिए मैं मिलने भी आया हूँ उनसे। परिवार हमेशा साथ रहा है और हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं परिवार को कि परिवार के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। जहाँ तक सवाल आपका शक्ति मिशन का है, केवल एक ही नारा नहीं, हमें आपको वो नारा भी याद रखना चाहिए। यहीं बहुत पड़ोस में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अभी धान गया है, बहुत बड़े पैमाने पे किसानों की धान की लूट हो गई। क्या धान में किसानों को कीमत मिल पाई? मक्का भी ऐसे ही चली गई और महंगाई कितनी बढ़ी है आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। कोई क्षेत्र बचा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म न कर दिया हो। अब जो जो कार्यक्रम चलाए हैं शक्ति मिशन का, केवल कन्नौज का नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े पिछले 4 साल के देखोगे तो सबसे ज्यादा हमारी बहनों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ है। तमाम गंभीर घटनाएं हुई हैं जिसमें कि अगर आंकड़े देखेंगे तो 4 साल में, 4 साल में दुगने अत्याचार अन्याय हुआ है उनके ऊपर। तो बताओ ये सरकार क्या है, केवल विज्ञापन पे पैसा खर्च कर रही है। अगर यही खर्च पुलिस पे कर दे, व्यवस्था को अच्छा करने में कर दे, तो शायद हमारी माताओं बहनों को मदद मिलेगी कानूनी भी। लेकिन अन्याय और अत्याचार बहुत बड़ा है। बेटियों के साथ जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में, जब इंटरनेट चल रहा हो, इतनी चीजें आगे चली गई हों, उसके बाद हमारी बेटियों को ऐसा सामना करना पड़ रहा हो? ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार केवल प्रचार में पैसा खर्च कर रही है। लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले कानून ये बनाना चाहिए, वो जगह बतानी चाहिए जहां पर किसानों की आय दोगुनी मिलेगी। क्या कभी वो ऐसा कानून बनाएंगे कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसे नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए? भाजपा नेता कहते हैं सपा सरकार ने अपराध चरम सीमा पर था, आप क्या कह रहे हैं, भाजपा सरकार ने अपराध दिलगाम है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया है, 100 नंबर को 112 कर दिया है और इतनी खुली छूट दे दी है इस गाड़ी को कि जहां चाहो वहां से लूट लाओ। एमएलसी के चुनाव को लेकर, एमएलसी के चुनाव को लेकर मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रत्याशी है उनकी पूरी ईमानदारी से मदद करेंगे। बिहार में महागठबंधन फेल हो गया, क्या 2022 में यूपी में महागठबंधन देखने को मिल सकता है? बिहार में जो बेईमानी हुई है, ऐसी बेईमानी मैं समझता हूँ भारत में लोकतंत्र में कभी नहीं हुई होगी। जीते हुए को हरा दें, सर्टिफिकेट जिसको मिलने जा रहा हो उसका सर्टिफिकेट उसको ना मिले। और हमें तो अच्छा लगा कि प्रेस के लोगों ने भी दबी जवान ये कह दिया कि ऐसी बेईमानी उन्होंने कभी नहीं देखी। 2022 में क्या सपा शिवपाल शिवपाल यादव को लेकर चुनाव लड़ेगी? क्या परिवार में मतभेद को लेकर बुलाकर सपा 2022 का चुनाव मजबूती से लड़ेगी? वो बात मैं इटावा में खत्म कर चुका हूँ और इस बार मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि छिबरामऊ और कन्नौज की जनता सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को सीटें जिताएगी और तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप